अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास प्रोडक्ट, बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट जो है सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर। तो सबसे पहले आई एम टेलिंग यू कि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। ये मैं पर्सनल, मैंने इसको बाय किया है और इसको यूज़ किया है और उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, वो भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये जो सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर है ना, ये क्लेम करते हैं कि ये आपके हेयर और स्कैल्प को नरिश करता है, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके हेयर लॉस को ट्रीट करता है और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये क्लेम करते हैं कि ये एकदम नॉन ग्रीसी है, इचिंग नहीं होती आपके हेयर में इसको अप्लाई करने से। और इसके लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स हैं और ये ऑल हेयर टाइप्स है। 120 ml की पैकेजिंग में ये आपको मिलता है। तो सिंपली इसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि आपके ये हेयर को थिकर करता है, स्ट्रोंगर करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर को सन रेज से और पोल्यूशन से। साथ ही साथ ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है और डैंड्रफ से भी आपको प्रिवेंट करता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आमला और नीम और मेहंदी, जिसको हिना भी बोलते हैं, तो ये सारी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि बीच में आमला है, नीम है, ये जो है ये एंटीबैक्टीरियल चीज़ें हैं जो आपके बालों की, कोई भी अगर आपको बालों का इशू है उसको ये कंट्रोल करते हैं, उससे आपको बालों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जी ऐसा समझ लें कि ये आपके बालों की ग़िज़ा है। अब इसके बारे में मैं अपना पर्सनल आपको बताती हूँ कि मुझे इसे क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। तो ये जी इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाता है आपको, बॉटल है, स्प्रे बॉटल। तो जी इसके यूज़ करने का तरीका जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो तो बताना भूल गई। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप अपने हेयर वॉश कर लें, उनको ड्राई कर लें, उसके बाद आपने जितनी आपको इसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी आपने अपने स्प्रे करनी है बालों में। और अगर आपको ज़्यादा डैंड्रफ है, डैंड्रफ का इशू है, तो आप इसको एक दिन में दो दफ़ा यूज़ करें। तो जी जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है यूज़ करने का तरीका, एज़ इट इज़ मैंने इसको अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर पे अप्लाई किया। पहले मैंने अपने बालों को वॉश किया, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की। ये जो स्प्रे बॉटल है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, एंडिंग है इसकी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसका रिव्यू कर लूँ। तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं जब जब इसको लगाती थी मेरे स्कैल्प में इचिंग होती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे इसके रिजल्ट्स कुछ ख़ास नहीं लगे। ख़ास मतलब कुछ थे ही नहीं, सिंपल वाटर ही है, इसका नॉन ग्रीसी टेक्सचर ही है। हाँ ये बात सच है जो इसके ऊपर लिखी हुई है कि ये नॉन ग्रीसी है, तो वाकई ये नॉन ग्रीसी है। बाकी इसको मैं पर्सनल आपको बताऊँ तो इस मुझे कोई फ़ायदा इससे नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो ये आप यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे पे वर्क कर रही है वो आप पे भी वर्क करे, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे पे वर्क नहीं कर रही वो आप पे ना करे। जी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको अपने पर्सनल प्रेफरेंस से यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि आप इंटरनली अपने आप को सेट करें, क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं ना वो होते हैं आयरन और प्रोटीन से बने हुए। तो अपने डेली लाइफ में वो चीज़ें खाएँ जिनके अंदर इन चीज़ों की अच्छी खासी मकदार मौजूद हो, तो आपके बाल जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी आप अपने प्रोडक्ट लगाएंगे बालों में एक्सटर्नली वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।